अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माय नेम इज़ यासीन अंजुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एक्सरसाइज 5.2, द क्वेश्चन नंबर 3 and 4, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड द डिफरेंस हियर। According to our previous lectures, we want to revise it. Complement means to write the non-common elements of universal set. It means those are not present in other under-discussed set here. And difference means to write, it means A minus B means, A difference B means to write the non-common elements of A. Those are not present in set B. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल के ऐसे अरकान का लिख लेना जो जेर बहस सेट में मौजूद ना हो। अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उसे हम यूं बयान करना चाहेंगे कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे अरकान का लिख लेना जो जेर बहस सेट A में मौजूद ना हो। और डिफरेंस में फ़र्क का मतलब ए फ़र्क बी में, ए डिफरेंस बी मीन्स सेट ए के ऐसे अरकान का लिख लेना जो सेट बी में मौजूद ना हो। लाइक दिस, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू टेन। सेट ए इज इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन एंड 9. Set B is equal to 2, 3, 5 and 7. सवाल वाला कह रहा है then verify the De Morgan's law. It means A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. This is the first law here. Second one is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. इन दोनों में से हम किसी एक पर डिस्कस करेंगे। अब पहला उसने कहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने देखना है। इसमें सबसे पहले अंडर ब्रैकेट प्रोसेस ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन यूनियन टू थ्री फाइव एंड सेवन। यूनियन मीन्स टू राइट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी। दोनों सेटों के अरकान को तीसरे सेट में इकट्ठा करके लिख देने का नाम यूनियन है। जैसा कि ए में वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन यूनियन, बी में टू थ्री फाइव एंड सेवन है, तो हम इनको इकट्ठा करके तरतीब से लिखने लगे हैं वन टू थ्री फाइव सेवन एंड नाइन। देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी है।
अब यूनिवर्सल में हमारे पास जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and up to 10. डिफरेंस ए यूनियन बी में जो हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं वो 1, 2, 3, 5, 7 and 9 है। अब डिफरेंस का मतलब है कि यूनिवर्सल में से ऐसे अरकान का निकाल देना है जो ए यूनियन बी में पाए जाते थे, और वो हैं क्या, 1, 2, 3, 5, 7 और 9। जैसे ही हम निकाले, हमने 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकालने के बाद पता चला कि हमारे पास यूनिवर्सल में 4 मौजूद हैं, 5 निकला फिर 6 लिखा हमने, 7 निकला तो 8 लिखा, 9 निकला तो हमने 10 लिखा है। तो पता चला कि हमारे पास जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो 4, 6, 8 and 10 है। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ उसने कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट लेते हुए हमने लिखा कि यूनिवर्सल माइनस ए है। यूनिवर्सल में 1, 2, 3, 4 up to 10 डिफरेंस, ए में 1, 3, 5, 7 and 9 है। इसका मतलब है हमने यूनिवर्सल में से ऐसे अरकान का लिख लेना है जो सेट ए में मौजूद ना हो, यानी 1, 3, 5, 7 और 9 को हमने निकाला तो पता चलेगा कि 1 जब निकला तो 2 बचा है, 3 निकला तो 4 बचा, 5 निकला तो 6 बचा है, 7 निकला तो 8 बचा है, 9 निकला तो 10 बच गया है। अब सेम हमने कहा कि बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल माइनस बी है। अब यूनिवर्सल में 1, 2, 3, 4 up to 10 डिफरेंस, बी के लिए 2, 3, 5 and 7 है। इन दोनों में पता चला कि 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 में, जबकि दूसरी तरफ 2, 3, 5, 7 और, अब हमने 2, 3, 5, 7 को निकाला, पता चलेगा कि 1, 2, 3 निकला तो 4, 5 निकला तो 6, 7 निकला तो 8, 8 निकला तो हमने 9 लिखा और ये 10 लिख दिया है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए में हमारे पास 4, 6, 8 और 10 है। इंटरसेक्शन लेते हुए 1, 4, 6, 8, 9 और 10 लिखा। अब इन दोनों के जवाब में पता चलेगा कॉमन एलिमेंट्स का लिखना है जो दोनों में मौजूद हों, वो है 4, 6, 8 and 10। अगर हम गौर करें पता चलेगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थस इट इज प्रूव्ड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट हैं, उन दोनों में से किसी एक को हम डिस्कस करना चाहते हैं।
Last question here. If universal set is equal to one, two, three, up to 20, one, three, five, seven, nine, 15, and 20. As it y is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 17 है। सवाल वाला कह रहा है कि x डिफरेंस y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x डिफरेंस y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट है। x डिफरेंस y, x में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 15, 18, and 20 एलिमेंट्स हैं। माइनस y में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 17 है। डिफरेंस का मतलब x के ऐसे अरकान का लिख लेना जो y में मौजूद ना हो, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9 निकलेगा तो पता चलेगा कि हमारे पास 15 है, 18 है और 20 है। ऑन अदर हैंड x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इज अ रिक्वायरमेंट। X is already present in given data, but y complement is not present here. So first of all, we have to require y complement. It means y complement mean universal minus y. Universal is equal to 1, 2, 3, 4 up to 20. Difference y means 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17. अब y कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ x के यूनिवर्सल सेट के ऐसे अरकान का लिख लेना है जो y में मौजूद ना हो, जैसा कि अब 1, 2, 3, 4 up to 20 यूनिवर्सल है और y में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 है। हमने 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 17 को निकाल बाहर करना है तो पता चलेगा 1 निकलेगा तो 2 बच गया, फिर 4 बच गया है, 6 बचेगा, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद 19 और 20 बच गया है। ये हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने x और y कॉम्प्लीमेंट लेना है। x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास x में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 1, 3, 5, 7, 9, 15, 18 और 20 है।
इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 थे, 19 एंड 20. Y में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 including 19 and 20 इंटरसेक्शन लेते हुए जो दोनों में मौजूद हैं हमने उनको लिखना है. पता चलेगा कि हमारे पास सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, 18 और 20 मौजूद हैं, 15, 18 एंड 20. थस इट इज प्रूव्ड दैट एक्स डिफरेंस वाई is equal to x intersection y complement. बच्चों आज का लेक्चर इतना काफ़ी है. अल्लाह ब्लेस यू लॉट. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.